गंजी कंपाउंड मामले में मंगलवार को कोर्ट ने किरायेदार द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि किरायेदार को अन्य जगह शेल्टर देने के बाद ही निगम कार्रवाई करें, बाद में परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं में स्थायी आवास दें। पूरे मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। अगर कल को बारिश में मकान गिर गया तो निगम को ही जवाबदार ठहराया जाएगा। वकील पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि याचिका दो आधारों पर दायर की गई थी। पहली तो नगर निगम ने निगम प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही नहीं की। दूसरी, बारिश के मौसम में बिना सूचना और अन्य कोई व्यवस्था किए हमें वहां से हटाना चाहते हैं। कोर्ट ने कार्यवाही रोकने से मना कर दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पीड़ित पक्ष को दो दिन में 3 महीने के लिए अस्थायी आवास उपलब्ध करवाए। जहां भी आवास उपलब्ध करवाएं वहां बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था हो। पीड़ित पक्ष निगम या शासन की अन्य आवास योजनाओं में आवेदन करें। नियम में आने पर नगर निगम उन्हें आवास उपलब्ध करवाएगा। क्या है मामला? गंजी कंपाउंड स्थित अति खतरनाक मकान को तोड़ने 26 जून को निगम दल पहुंचा था, जहां विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इस नहीं तोड़ने को कहा था। विवाद ज्यादा बढ़ने पर विधायक ने निगम अधिकारी की बैठ से पिटाई कर दी। इसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। रविवार को जमानत पर छूटकर वे बाहर आए हैं। दूसरी ओर विवादित मकान को तोड़ने की कार्यवाही तीसरी बार निगम ने टाल दी थी। विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा की गई निगम अफसर की पिटाई के बाद रविवार को मकान तोड़ा जाना था, उसे टालकर मंगलवार का दिन तय किया गया था। मामले में किरायेदार ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिसके बाद निगम ने मंगलवार को भी कार्यवाही टाल दी थी।